हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिर्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, पेटीएम का शेयर बिलो ₹500 यानी 476 रुपये के आसपास ही इस वक्त ट्रेड के लिए अवेलेबल है। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओल्ड इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है अपनी शेयर प्राइजेस को एवरेज बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इस शेयर ने मैंने रिकमेंडेशन IPO के वक्त भी नहीं दी थी, और रिकमेंडेशन जब मैंने दी इसमें बाइंग की, वो जब ये शेयर 1000 के आसपास तब दी थी, तब तक इसमें 50% के आसपास तक का डाउनफॉल आ चुका था। और उसके बाद में भी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए और अभी ये बिलो 500 है, तो वो चाहे तो एवरेज कर सकते हैं या फिर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 1000 रुपये तो कभी भी हो जाएगा, जब कभी भी चाल पकड़ेगा विद इन ए मंथ, किसी भी टाइम पर जब ये अपने ट्रैक्स को पकड़ेगा तो ये 1000+ चला जाएगा, डोंट वरी। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी ने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, अपने वर्किंग्स को बढ़ाने के लिए, और जिस तरह से हर फ़ोन के अंदर इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना ज़रूरी हो गया है पेमेंट के मोड को इलेक्ट्रॉनिकली बेसिस पे लेन देन के लिए, तो ये मान के चलिए कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप बना लेगी और प्रॉफिट्स भी बनाएगी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि April 2024 से कंपनी प्रॉफिट्स में आ जाएगी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे, जो कंपनी के जो लॉसेज हैं वो कवर हो रहे हैं। लास्ट दिसंबर क्वार्टर का जो नेट लॉस है वो 778 करोड़, फिर नेक्स्ट क्वार्टर का जो है 761 करोड़, फिर नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है जो लॉस है 641 करोड़ या 640 करोड़ समथिंग, फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली 571 करोड़। तो फ्रेंड्स, लॉसेस कवर ही हो रहे हैं, 700 करोड़ समथिंग से 600 करोड़ समथिंग, फिर 500 करोड़ समथिंग, और अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में 400 करोड़ समथिंग, फिर 300 करोड़ समथिंग, फिर 200 करोड़ समथिंग, फिर 100 करोड़ समथिंग, ऐसे कवर हो जाए और 2024 से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दे। जो इसके वैल्यूज है, जो इसके फिगर और फैक्ट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, 1000 के आसपास मैंने इसको रिकमेंडेशन दी थी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो एवरेज बनाइए, अगर एवरेज नहीं बनाना चाहिए तो वेट एंड वॉच कीजिए, आप होल्ड करके रखिए, घबराइए नहीं। और जो न्यू इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करे हुए हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और फ्रेंड्स, एवरेज भी बना पाए तो आप एवरेज बनाइए, लेकिन हाँ, आपने शेयर को 1500+ से लिया या IPO की तब लिया, फिर उसका 1500 के आसपास भी एवरेज होना है, फिर 1000 के आसपास भी एवरेज होना, फिर 500 के आसपास भी एवरेज बना लिया, और अब भी डाउनफॉल पे एवरेज बनाने की सोच रहे हैं। इफ़ यू रिस्की इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलाउज यू, देन यू हैव टू मेक टू मच एवरेज, अदरवाइज नो नीड टू मेक, जस्ट होल्ड वाट एवर द शेयर यू हैव एंड वेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस शेयर। तो फ्रेंड्स, जो भी बात थी कि कंपनी प्रॉफिट में कब आएगी, मैंने आपको बताया, कंपनी प्रॉफिट में क्यों आएगी ये भी मैंने आपको बताया, और जो कंपनी का सिस्टम है रेवेन्यू जनरेट करने का, ये कंपनी अपने जो साउंड बॉक्स के थ्रू भी जो शॉपकीपर्स को या स्टोर्स पे रखती जा रही है, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मंथली रेंट जनरेट कर रही है, उससे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी और आने वाले टाइम में ये कंपनी प्रॉफिट्स में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें रखना चाहिए और बने रहना चाहिए इसके अंदर, और अपॉर्चुनिटी है न्यू इन्वेस्टर्स को बहुत ज़बरदस्त कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स, बन रही मेरे चैनल में मेरे साथ में, मोटिवेट कीजिए मुझे, सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ाइए मेरी, ताकि मैं इस तरह वीडियोज़ बना करके आपको देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।